ये बिल्कुल जीरो लाइन पर गांव है हमारा शन लाल दीन। तो इस गांव में ना तो कोई रोड था, तो बॉर्डर के ऊपर हम रहते थे और बॉर्डर के ऊपर पहली बार एक रोड बन रहा है बहुत बढ़िया। एक कर्म सिंह जी हमारे DDC हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हमारे सरपंच साहब ने भी की, लेकिन मेन योगदान जो है वो कर्म सिंह जी का है। इन्होंने बहुत काम किया अपना कोशिश करके, क्योंकि इनकी वजह से ही आज रोड है। अगर ये कोशिश ना करते हमारी तो कोई वहाँ अप्रोच नहीं है। तो इन्हीं के अप्रोच से आज ये रोड जो है बन रहा, देखो आप सब देख रहे हो। ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी बन गई है कि हमारे बच्चों के लिए आने जाने का साधन, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे लेडीज़ के लिए आने जाने का साधन बहुत बढ़िया है। मज़े के साथ टाइम टू टाइम वो अपने स्कूल में पहुंच सकते हैं, या किसी ऑफिस में जाना हो, कोई काम हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारी जो बनी है रोड के लिए, तो आने जाने का साधन है। इसके लिए पूरी सरकार का, हमारे, मैं तो कर्ण का ही करूँगा, DDC का ही योगदान, उसका ही थैंक्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो ये सारा काम करवाया है बीच में खड़े होके, इनका ही थैंक्स करूंगा पूरा मैं। यानी अब आगे विकास के लिए जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं ताकि आने जाने। बिल्कुल बिल्कुल जी, विकास के लिए रास्ते क्यों नहीं खुले, अगर उन्होंने इतना काम कर दिया तो और भी बहुत सारे करेंगे। इतनी खुशी है कि खड्डों से मुक्ति मिली है हमको, जे हमने पहले कभी रोड देखा नहीं है। जे बात कर रहे हैं कि 20-25 साल हमारे इधर के एमएल का लोकल ही हमारे गाँव के शन लाल दीन के प्रेम जी बने थे कैमरामैन, उन्होंने एक बार लुक डलवाई थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी तो वो पता नहीं छो गई थी कहीं कहाँ, तो हमको लुक क्या तो खड्डे ही खड्डे देखे हैं 20 साल के बाद। ये इज्जत लुक पड़ी है, पहले तो बस हम खड्डे में जाते थे, डिगते गिरते जाते थे, तो अब तो हमारे को फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिली। हम तो ऐसे जाते हैं, मोटरसाइकिल टायर भी नहीं नीचे लगने देंगे अब तो। अभी तो रोड मिला हमको देखने के लिए, पहले कहाँ रोड मिला था, खड्डा ही खड्डा मिला था, उधर से बम मिलते थे, इधर से खड्डे मिलते थे, हम भाग भी नहीं सकते थे, दोनों तरफ से परेशान थे। तो अब दोनों तरफ शांति है, शांति है, मोदी है ना बैठे ना ऊपर।